देखो त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई क्रम से एबी तथा एसी पर दो ऐसे बिंदु हैं कि डी ई समांतर बीसी है, ठीक है। डी ई त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर देता है। ए डी अनुपात बी डी क्या है? ये क्या है? ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? डी तथा ई ए बी और एसी पर, यहां पर डी है, यहां पर ई है, और बोला है कि ये दोनों समांतर हैं। अब देखो इन दोनों को बराबर क्षेत्रफल वालों में, अगर इसका क्षेत्रफल एक है तो इस पूरे का कितना है? दो। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? दो अनुपात एक। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है? रूट दो अनुपात एक। तो यहां से क्या है, ए बी बराबर क्या होगा? रूट दो। और ए डी बराबर क्या होगा? एक। अब देखो ए बी बराबर रूट दो, ए डी बराबर एक, ठीक है। ए बी बराबर रूट दो है, टोटल रूट दो है, इतनी एक है, तो ये बी डी कितनी हो जाएगी? रूट टू माइनस एक, ये एक, और टोटल क्या हो जाएगी? रूट टू। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो अनुपात किसका पूछा है अपन को? ए डी अनुपात बी डी, ए डी अनुपात बी डी। तो ए डी कितनी है इसमें? एक। बी डी कितनी है? रूट दो माइनस एक। आंसर डी इज करेक्ट। देखो ये बोल रहा है ये आठ सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है। अक्सर इतना बड़ा होता नहीं आठ सेमी त्रिज्या का, पर मैं बना देता हूं, कभी कभार ऐसे बनाता रहता हूं मैं, ठीक है। एक बार मैं भाईली से बात कर, ठीक है। तो आगे देखो ये आठ सेमी त्रिज्या का वृत्त है और ये इसके अंदर बना बड़े से बड़ा वर्ग है, ठीक है। ये आठ सेमी त्रिज्या के वृत्त के अंदर बना बड़े से बड़ा वर्ग है। अब देखो ये इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का विकर्ण इसके व्यास में से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा, तो इस वर्ग का विकर्ण कितना हो गया? 16। हाँ तो आगे देखो ये क्या है, इस वर्ग का व्यास रूट टू इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है? 16। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 बटे रूट दो, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 8 रूट दो। ये क्या है, इस वर्ग की भुजा क्या है? 8 रूट दो। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 64 इंटू दो 128।